Luca 6 bab verse 36. Luke 6:36. अड़तीस आयत तक पढ़ूंगा. लिखा है, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, हालेलुया, तुम भी रहम दिल हो. ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी. मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे. खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे. दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा. कैसे दिया जाएगा? अच्छा पैमाना, यानी बड़ा सारा पांडा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेस करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा. इस हफ्ते मैं जॉर्डन में था और काफी जगह हमें देखने को मिली. सुनीला वेलकम, हार्डली वेलकम. आई विल गेट बैक टू यू लेटर नाउ. आपको भी खुश आमदीद. हेरोदियास की बेटी जिसने नाच कर हेरोदियास का दिल खुश किया, याद है? जिस जगह पर यह वाकया हुआ, यूहन्ना का सर काटा गया, हम वहां भी गए. एलिया आसमान से आदसी रात आए और वो आसमान पर चला गया दरिया यर्दन के करीब, हम वहां भी गए. यर्दन दरिया में कोई 7 बपतिस्मे भी हमने दिए. उधर इसराइल में लोग बपतिस्मे ले रहे थे, दरिया तो एक ही है. अद्दा बॉर्डर इसराइल वाले थे, अद्रा यर्दन उर्दन की तरफ. तो वो गीत गा रहे थे, कुछ इंडियन लोग थे, हमारी टीम भी उनके साथ शामिल हो गई. तो वो गीत गा रहे थे मसीह की प्रस्तुति में. फिर हम दरियाए यबूक पर गए, याद है पदाइश की किताब में, जहां यकूब सारी रात खुदा के फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ा था, हम वहां पर भी गए. कुरेत का नाला किस किस को याद है? हाँ, हम वहां भी गए. और मूसा ने जिस चट्टान को मारा और पानी बह निकला, पानी आज भी बह रहा है. पता नहीं वो पानी कहां से आ रहा है और आप पाशी हो रही है उस पानी से. खुदा के काम अजीब हैं. कोहे नबू जहां पर मूसा ने यरूशलेम को देखा था, हम वहां भी गए. हमारे ग्रुप में 35 लोग थे. एक बहन मुझसे पूछती है, क्योंकि हम बहीरा मुर्दार के किनारे एक होटल है, वहां ठहरे हुए थे. तो फिर हम गलील की झील, जहां बड़े मौजे हुए, यर्दन साइड पर हम वहां थे. तो एक बहन मुझे पूछती है कि पारी साहब, ये जो बहीरा मुर्दार जिसको डेड सी कहते हैं, इसको डेड सी क्यों कहते हैं? मैंने उसे कहा, मैं पादरी वाला जवाब देता, जब हम शुमाली इलाके में गलील की झील में थे,
तो उसके इर्द गिर्द सारा इलाका सरसब्ज है, फलदार दरख्त है, फसलें होती हैं, जिंदगी है, खूबसूरती है। जब आप नीचे जनूब बहीरा मुर्दार में आए, कोई जिंदगी नहीं है, बंजर, उजाड़, खाली, नो ट्री, घास भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि इसको बहीरा मुर्दार या डेड सी इसलिए कहते हैं कि यहां जिंदगी कोई नहीं है, और ये इसलिए है कि गलील की झील में जो दरियाए यर्दन का पानी आता है, जो निकलता है लुबनान से, सीरिया से, कोहे हरमून से, वो मिल मिलाकर दरियाए यर्दन बनता है, वो गलील की झील में आता है पानी, लेकिन उस झील से पानी निकल जाता है, वो देता भी है, इट गिव्स आउट। तो यहां जिंदगी है, बहीरा मुर्दार में दरियाए यर्दन का पानी गिरता है, लेकिन यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाता, नो वे आउट, नथिंग इज गिवन आउट। इसलिए यहां पर जिंदगी नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत से ईमानदारों की यही हालत है, वो लेते हैं, रिसीव करते हैं, करते ही रहते हैं, और जो आगे गिव आउट करते हैं, देते रहते हैं, वो फ्रेश रहते हैं। जिंदगी है, हरियावल है, खुशहाली है, फलदार दरख्त हैं, इसलिए कि वो रिसीव करते हैं और फिर वो दे गिव आउट टू अदर्स, देते भी हैं। बहीरा मुर्दार सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं है, इसलिए जिंदगी नहीं है, वो डेड सी है। इसी तरह ईमानदार हैं जो सिर्फ लेते रहते, रिसीव करते रहते, देते कुछ नहीं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, सिर्फ अपने लिए जिंदा रहते हैं, उनके अंदर कोई जिंदगी नहीं। ये दुनिया की सोच है कि हम लेने से अमीर हो जाते हैं, लेते रहें हम भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। नो, वो आदमी जो सिर्फ लेने वाला है और देता कुछ नहीं, लालची है, खुदगर्ज है, खुदा की बादशाही में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो आदमी डेड सी है, बहीरा मुर्दार है, अंदर उजाड़ है, खाली है, कोई हरियावल नहीं है। इसलिए मसीह ने फरमाया, देना लेने से क्या है? जोर से बोलो, देना लेने से मुबारक है। मुबारक मीन्स काबिले रश्क, खुशकिस्मत, अट्रैक्टिव, देने वाले, पुरकशिश, जिंदगी से भरे हुए, बड़े लोग कुशादा दिल, खुशहाल होते हैं। इसलिए आज के मैसेज का टाइटल, डोंट जस्ट बिकम रिसीवर्स, बी अ गिवर, देने वाले बनो, ना सिर्फ रिसीवर, ऑल द टाइम, ऑल द लाइफ, सिर्फ गेटिंग, नो, जिंदगी का सीक्रेट देने में है, सिर्फ लेने में नहीं है। ये डेड सी, और हमने खुदा के कलाम में पढ़ा, ऐब जोई जैसे तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी।
मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, गिव। देना सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में देने वाली बातें बहुत सी हैं। अगर आप पूरा हवाला पढ़ें तो लिखा है दुश्मनों से मोहब्बत रखो, यह भी गिविंग है, गिविंग आउट लव। लिखा है भला करो, बरकत चाहो, दुआ करो और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। खलासी दो, रहम दो, बरकत दो, बहुत कुछ एक मसीही के पास देने के लिए है। मसीही की नेचर में गिविंग आउट है, इसलिए कि उसमें क्राइस्ट की फितरत मौजूद है, उसमें मसीह की जिंदगी है। और लिखा हुआ है यीशु मसीह ने हमें कहा तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। नूर की नेचर ये रोशनी देता है, नमक की नेचर वो नमकीन कर देता है, दूसरों के लिए जिंदा है, ये उसकी फितरत मिजाज में ये बात शामिल है। हम भी एग्जिस्ट करते हैं अपने खुदावंद के लिए और दुनिया के लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि हम नमक भी हैं और नूर भी हैं। हम गलील की झील की तरह हैं, हम बहीरा मुर्दार की तरह नहीं हैं। लिखा है रोमियो 14वां बाब 7वीं और 8वीं आयत, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, वी डोंट लिव फॉर आवर सेल्व्स, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे, हम खुदावंद ही के हैं। हालेलुया। पहला करंथियों 6वां बाब 19 और 20 आयत लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, योर बॉडी, रूहुल कुद्स का मक्दिस है जो तुम में बसा हुआ है। ईमानदार की बॉडी में रूहुल कुद्स बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमारे पास बहुत कुछ है एज अ क्रिश्चियन, हमारे पास खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत का तजर्बा, उसका फजल, उसकी बरकतें, खुदा से रिफाकत, उसका जलाल, उम्मीद, गुनाहों की मुआफी। ये वो दौलत है जो दुनिया में नहीं, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह में हर क्रिश्चियन को मुफ्त में हासिल हो चुकी है। इसलिए कोई क्रिश्चियन गरीब नहीं है, हर एक क्रिश्चियन दौलतमंद है। हालेलुया। इस मेंटेलिटी से निकलिए कि मी क्रिश्चियन पुअर, नो। अगर तू निजात याफ्ता है, अगर तेरे गुनाह मुआफ हो चुके, नई पैदाइश तुझे मिल चुकी, रूहुल कुद्स तेरे अंदर रहता है, तो तू गरीब नहीं है, तू दौलतमंद है, क्योंकि तेरे पास जिंदगी की रोटी है जो दुनिया के पास नहीं है। आज तीन बातें हम देखेंगे कि हम क्या दे सकते हैं। नंबर वन, गवाही देना इंसान पर मसीही की सबसे बड़ी मेहरबानी है। मसीह की गवाही दे देना कि मसीह निजात है, मसीह ने मुझे जिंदगी बख्शी है, मसीह ने मुझे छुआ है। किसी इंसान के लिए भी जो मसीह का नहीं, उस पर आपका एहसान होगा, मेहरबानी होगी। वह निजात पा सकता है आपकी गवाही से,
وہ ابدیت میں داخل ہو سکتا ہے آپ کی ٹوٹی پھوٹی گواہی سے. یہ پہلا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے پہلا یوحنا پانچواں باب, آؤ دیکھیں پاک کلام ہمیں کیا کہتا ہے. پانچواں باب دسویں آیت سے پڑھوں گا اور غور کیجئے, لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے. کون آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہللویا. پھر اگلی گل سن لو, لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ گواہی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایلڈر صاحب, گواہی اگر نہ دی جائے تو گواہی بنتی ہی نہیں ہے. گواہی کی نیچر ہے کہ میں نے جو دیکھا, جو تجربہ کیا, ہڈ بیتی, عینی شاہد, ذاتی تجربہ, میرے ساتھ مسیح نے کیا کیا, یہ گواہی ہے اس کی برکتوں کی, اس کی نجات کی, اس کی زندگی کی, اس کی مہربانیوں کی. گواہی دینا جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں, زور سے بولو, گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا, کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی, یہ گواہی ہے. اور یہ زندگی کہاں پر ہے؟ اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس, جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. اگر تیرے پاس بیٹا ہے تیرے پاس زندگی ہے. ایک اور حوالہ اسی جگہ پر, چودھویں آیت پڑھیے چوتھے باب کی, لکھا ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے, یہ بھی گواہی ہے. ایک اور حوالہ اسی خط میں پڑھیے, شروع میں پہلا باب, اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, جسے ہم نے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ گواہ ہیں, سنا بھی, دیکھا بھی, بلکہ غور سے دیکھا, اپنے ہاتھوں سے چھوا, وی نو جیسس. یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں بھی خبر دیتے ہیں. میرے عزیزو, ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے اور وہ دولت یسوع مسیح کی گواہی ہے. اپنے آپ سے پوچھ, کیا میں نے اس زندگی کی بابت کبھی اپنے کولیگز کو, فیلو اسٹوڈنٹس کو, اپنے دوستوں کو, فیملی کو, ملک کے لوگوں کو, جہاں موقع ملے, کیا میں نے مسیح کی بابت گفتگو کی, میں نے بتایا, میں نے گواہی دی, یہ چرچ کی ذمہ داری ہے, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے, تم میرے گواہ ہوگے, تم قوت پاؤ گے اور میری گواہی دو گے. روح القدس نازل ہوتا ہے,
सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं, सिर्फ डांस करने के लिए नहीं, सिर्फ गूस बम्स के लिए नहीं, सिर्फ गैर सुबाने बोलने के लिए नहीं, रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम कुवत पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। ये कुछ इस तरह की बात है। फर्ज करें सारे आपके मोहल्ले में कोई वबा फैली हो जिससे लोग मर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन उस वबा और बीमारी का इलाज, उसकी मेडिसिन आपके पास है एंड यू नो इट। इस दवाई से आपका इलाज हुआ, आप भी उसी बीमारी में थे और आपको शिफा मिल गई। आप जानते, आपके पास नॉलेज, आपके पास प्रोविजन, आपके पास मेडिसिन के स्टोरों के स्टोर यीशु मसीह में, लेकिन आप दवाई के बारे बताते नहीं, खामोश रहते हैं, देते नहीं। तो आप कौन हैं? अगर चर्च, जिसके पास इंसान की सबसे बड़ी बीमारी गुनाह का कोड़ का इलाज वो जानता है, यीशु नासरी की सलीब, उसका खून, उसका नाम, उसका मुर्दों में से जी उठना इंसान को गुनाहों के कोड़ से शिफा दे सकता, लेकिन वो बोलता नहीं है, तो चर्च मुजरिम है। खामोश रहने का आज वक्त है। हम दुआ कर रहे थे अपने मुल्क के लिए, आज हमारे मुल्क को यीशु मसीह के नाम और मेडिसिन की, जो कि जिंदगी है, रोटी है, जिंदगी का चश्मा है, उम्मीद देता है, शिफा देता है, अबदी जिंदगी देता है, इंसान को यह खबर सुनने की जरूरत है। हमारे पास ये गवाही मौजूद है। साढ़े नालों ते बिजनेसमैन ही बहुत अच्छा है। टेलीविजन पर कभी कभी देखते हैं ना, को बच्चा खेडन डे है ते ओनू जान के ना गंदे सारे छप्पड़ च वो ठेडा खाएगा ते डिग पवेगा, नाल ही डिटर्जेंट आ जाता है, सर्फ आ जाता है। फिक्र की कोई बात नहीं, इससे सारे दाग धुल जाएंगे। मां पकड़ती है बच्चे का गंदा कपड़ा, मशीन में डालती है और वो साफ होकर, भावे नवा ही रखा हो दूजा ही, लेकिन तानू दसन लई वो बिल्कुल साफ सुथरा, सारे दाग मिट गए। ये गवाही है कि मेरा डिटर्जेंट, मेरी कंपनी का ये इंतहाई मौसर है, इससे बड़े से बड़े दाग धुल जाते हैं और लोग कन्विंस हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारे पास आसमानी डिटर्जेंट यीशु मसीह का लहू सचमुच किरमजी गुनाहों को भी धोकर बर्फ की मानंद सफेद कर देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यशाया की किताब पहला बाब 18-19 आयत लिखा है, अगर तुम्हारे गुना किरमजी हो तो भी बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। गुड न्यूज इन जीसस, और हर चांद वो अर्गवानी हो, ये भी लाल जा रंग का बड़ा गाढ़ा काम जी, वो ऊन की मानित उजले हो जाएंगे। यहां पर अगर कोई बैठा है जिसके गुनाह किरमसी रंग की तरह हैं, सारी जिंदगी दागदार है, काली है, उजाड़ है, बहीरा मुर्दार की तरह है, मर चुका है इंसान, उदास, मखमूम, डिप्रेस्ड, खौफ सदा,
कुछ उसके पास नहीं, कोई चीज उसको तसल्ली नहीं देती. I have a good news for you. तेरे लिए खुशी की खबर. 2000 साल पहले यीशु मसीह नासरी स्लीप पर तेरे लिए उसने आसमानी डिटर्जेंट खून बहा दिया. वो यीशु का लहू इंसान के गहरे तरीन स्ट्रॉन्ग तरीन दागों को धोकर इंसान को पाक कर देता है और जिंदगी बख्शता है. हालेलुया. यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां. ग्लोरी. अच्छा, गवाही एक तो सुनने वाले को फायदा देती है, दूसरा ये सुनाने वाले को, गवाह को दलेर कर देती है, आजाद कर देती है. ओ खुल डुल के मसीह लई बाहर आ जाता है. कुटिया कुटिया नहीं रहिंदा, शर्माता नहीं रहता. एक दफा गवाही दे के देखो, जिंदगी की गवाही. दूसरी बार आप दलेर हो जाएंगे. मुकाशवा की किताब कहती है 12 बाब उसकी 11वीं आयत, वो बर्रे के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा. गवाही गलबा बख्शती है. और मुकाशवा 19 बाब उसकी 10वीं आयत, यीशु की गवाही नबुवत की रूह है, नबुवत की जार, उसका उसका एसेंस. नबुवत क्या है? यीशु मसीह की गवाही. जब आप गवाही दे रहे हैं यीशु की गवाही उसके जलाल के लिए तरस के साथ, तो आप नबुवत कर रहे हैं और यीशु मसीह की को जलाल दे रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं. पहला काम हमारे पास क्या है, क्या देना चाहिए? गवाही. हम ये हवाला सुन के ना दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो लोग समझते ना लो जी पैसे की गल आई जे. अरे ये पैसे से बढ़कर है. इट इज गिविंग योर टेस्टिमनी. टॉक अबाउट जीसस. तेरी जिंदगी के अंदर खुद मौजज़े होंगे और तू दूसरों की निजात का वसीला बनेगा. दूसरी बात, हमारे पास देने के लिए क्या है? नंबर टू, मुआफी देना. गिव फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस. फॉरगिव अदर पीपल. ये रूहानी आजादी और बरकतों की बुनियाद है. दूसरों को, अपने सताने वालों को, ज्यादती करने वालों को, तंग करने वालों को, दुश्मनों को खुले दिल से मसीह की मोहब्बत में मुआफ कर देना, ये क्रिश्चियन स्पिरिट है, मुआफी. आओ पढ़ें, इट्स अ सीरियस थिंग जो मैं बात कर रहा हूं. मरकस की अंजील 11वां बाब, मार्क चैप्टर 11. ये अंग्रेजी में कहना पड़ता है. कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें जरूरत है. मरकस 11वां बाब, गौर से पढ़ो और सुनो. 22 आयत से यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो. मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो
अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, किसी से किन्नी शिकायत, कुछ वड्डी सारी भी नहीं, किसी से कुछ शिकायत हो जब तुम दुआ कर रहे हो तो क्या करो? हैं? बोलो, करना कुरना तो तुम अपनी मर्जी ना लिए। कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो। तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। मेरी मुआफी मशरूत है दूसरों को मुआफ करने के साथ। अगर मैं मुआफ करता हूं तो मेरा आसमानी बाप मुझे मुआफ करता है। और आगे लिखा हुआ है, अगर तुम मुआफ ना करोगे, दैट्स योर चॉइस, अगर तुम मुआफ ना करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी मुआफ ना करेगा। अरे ये सीरियस बात है। हमारे पास पता नहीं कहां से कैसी अंजील पहुंची, यहां लिखा है जब तुम दुआ करो अगर किसी से कुछ शिकायत हो तो माफ करो। हम दुआया मीटिंग्स कर लेते हैं, सारी सारी रात की कर लेते हैं, घंटों घंटों कर लेते हैं, लेकिन माफ नहीं करते। अरे डोंट प्रे, दुआ ना कर, इससे पहले एक काम कर, और वो क्या है? जाकर माफ कर, मिल, बातचीत कर, से आई फॉरगिव यू, और वाकई माफ कर भी दो। साडा पंजाबी कल्चर एहो जे है। अच्छा जा जा, तेनू माफ कीता ही, ते जदों अगले हफ्ते फिर मिलिया ए ओ यू। माफ नहीं करते, वी डोंट फॉरगिव, दिल से मुंह से करते हैं, इसलिए अंदर कड़वाहट जहर रहता है, आसमान बंद है। एक बड़ी मिसाल खुदावंद ने दी, ना माफ करने वाले शख्स उसका रिजल्ट्स आओ देखें। मत्ती की इंजील 18 बाब, और गौर करो इस बात पर, लिखा है 18 बाब उसकी 21वीं आयत से है 35वीं आयत तक, सारा नहीं पढ़ेंगे। पतरस ने बड़ी छलांग लगाई, कहता है खुदावंद मसीह को, ए खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता ही रहे कितनी बार मैं उसको मुआफ करूं? वो पांप के आके खुदावंद तो मुआफी की बड़ी बात कर, इस तो पहला है 18वें बाब इन द चर्च, क्या मैं 7 बार उसको मुआफ करूं? उन्हें अपने वालों हद कर छड़ी। ए बंदे दी छाल एडी की, क्या मैं उसे 7 बार मुआफ करूं? फिर आगे खुदावंद ने जवाब दिया, नहीं, 7 के भी 70 बार, इट इज 490। अच्छा गल कैलकुलेटर दी नहीं, किन्नी अच्छा हूं मैनू रह गए ने 490 वारी, हुण रह गए ने 489, हुण रह गए ने 488, ते कड़तन ते अजे वी विच ही है। अरे तू क्या गिनती कर रहा है? इसका मतलब यह है, कीप ऑन फॉरगिविंग, ये टाइमिंग्स की दफा की बात नहीं, तेरा दिल ऐसा होना चाहिए कि तू मुआफ करता ही रहे, इसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि मुझे मुआफी रोज आसमानी बाप से मिलती ही रहती है। आप अपने लिए मैं मुआफी मांगना, ते जदों दूजे दी वारी आउंदी कहना ना इनू नहीं मैं माफ करना, इट्स अ रियाकारी। मसीह ने मिसाल दे दी अपने पॉइंट को मजीद मजबूत करने के लिए।
मसीह ने कहा आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है। अच्छा बात हो रही है खुदा की बादशाही कैसी है जिदे असी शहरी हाँ के उसने अपने करिंदों का हिसाब लेना चाहा और एक आदमी आया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। ये बड़ी वड़ी रकम छे टैलेंट्स लिखा हुआ है। जिनके पास रेफरेंस बाइबल है नीचे लिखा हुआ है कि उस वेले एक किन्ने रुपये बनते सा। उसे जरब दें 10,000 से ए पता नहीं किन्ने सिफरे अगे लग जाएंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के उत्ते जिन्ना कुल कर्जा है ये कि ओदे बाबत ओदे वंगर ही हो जाना है। सो मच कर्जा। और मालिक कहता है बादशाह इसको पकड़ो इसको कैद करो इसकी बीवी को ले आओ इसके बच्चों को ले आओ जब तक ये कर्ज अदा ना करे ये कैद में रहे। ओ बंदा गोड़िया पर निडक पिया खुदावंद ए बादशाह ओ मुझे मोहलत दे। फिर तू की कर लेना सी मोहलत भी मिल गई इना कर्जा कितो। लेकिन गिड़गड़ा कर दुआ करता है मिन्नत करता है मुझे मुझे मोहलत दी जाए। ये भी नहीं कहता मुझे माफ कर दिया जाए। लिखा है बादशाह को तरस आ गया। उसने उसके तमाम कर्ज को माफ कर दिया। चला गया बाहर गया बार माफी पा के अगे उन्हों मिल गया अपना एक बंदा जिन्हें ओदे वो किन्ने दिनार ने 100। अच्छा एक करंसी भी छोटी उते तोड़े एथे दिनार ते 100 कहता है इतरा है कट मेरे पैसे। कहता है इसको पकड़ो इसकी बीवी इसके बच्चे इन्हें कैद में डालो जब तक ये मेरा कर्ज अदा नहीं करेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारा मिन्नत करता है जिवें इन्हें की थी सी प्लीज गिव मी टाइम मैं दे दूंगा प्लीज प्लीज। कहता नो इसको पकड़ा जाए। ये लफ्ज पढ़ता हूं मैं। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंट रह गया सी ओदी गिची कोड़ दी थी और कहा जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत दे मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया। जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। ये एटीट्यूड कैसा लगा आपको? बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए। अनफॉरगिवनेस ब्रिंग सारो गम लेकर आती है खुशी नहीं। माफ ना करो गम आ जाता है। आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसके उसको पास बुलाकर उससे कहा ए शरीर नौकर माफ ना करने वाले शरीर हैं मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे
मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ न करे। माफ ना करने वाला कैद में रहता है, इंप्रिशन, इमोशनली आजाद नहीं होता। जलाद उनके हाथों में जो असीयत देते हैं, ना माफ करने वाला शख्स तंग रहता है, असीयत में रहता है, बेचैन रहता है, खौफ सदा रहता है, गुसीला रहता है, उसे बीमारियां लग जाती है। इट्स एक्सपेंसिव नॉट टू फॉरगिव। लोग कहते हैं माफी देना मुश्किल है, अरे ना माफ करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। ना माफ कर तू जलादों के पास रहेगा, तू कैद में रहेगा, तू अजियत में रहेगा, बेचैन रहेगा, जिंदगी में गम ही गम होंगे। इसलिए कलाम कहता है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ न करे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसको तूने माफ नहीं किया? ये तेरे और खुदा के साथ ताल्लुक में रुकावट है। आज दिल से माफ कर दे। रो आज खुदा की हुजूरी में, अपने घर जा। अगर ये तेरा डैडी है, तेरी मामा है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरी बीवी है, तेरा दोस्त है, तेरा दुश्मन है, कोई है, तूने माफ नहीं किया, आज दुआ कर और उसको माफ कर दे और आजाद हो जा और खुदावंद का आसमान तुम पर खुल जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात जो हम दे सकते हैं, पहली बात क्या थी? हैं? गवाही दो, दूसरी बात माफी दो, तीसरी बात खुदा की बादशाही की वुस्सत के लिए रुपया पैसा देना खुशहाली का भेद है। सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज टू गिव मनी, रुपया पैसा। गिव, इट शैल बी गिवन टू यू। ये असूल है, ये कोई कारोबारी बात नहीं, कोई ठेका नहीं खुदा से। लेकिन सच्चाई ये है, हमने पढ़ा पाक कलाम में लूका की इंजील, क्या लिखा है? दिया करो तुम्हें भी। साडे च कुछ लोगों का हाल है वे, जे किते गए ने ते कहन के अच्छा हुण सानू फिर टोरो। समझ गए जे ना, हमें दो। अगर वो कहीं चले गए हैं तो लाओ हर तरफ से दो। अरे कलाम कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। गॉड सीज इट, कैसे देगा? आगे लिखा हुआ है अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। मुझे पता नहीं नौजवान नस्ल ये समझती है या नहीं, मुझे याद है हम एक मोहल्ले में रहते थे। उन दिनों में बड़े आपस में सोशल रिलेशनशिप होते थे। आटा नहीं है तो पड़ोसी दे कोल चले जाना, आजकल भी है नहीं? रुखे हो गए हो? आजकल नहीं तो कहना भैन मैनू एक डंग दा ना आटा दे दे ते मैं तेनू अगले हफ्ते दे देंगी। उन्हें कहना ऐ वेख लै इन्ना ही भांडा और ये मैं नपवा दिता ही तेनू ते इंज ही वापस देना ही। दिस इज द लैंग्वेज। तुम दो
खुदा तुम्हें देगा कैसे अच्छा पैमाना दब दब के हला हला के पा पा के जगह ही ना रवे लबरेस करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। हालेलुया। अच्छा खुशहाली भी दो तरह की है। आजकल एक अंजील निकली हुई है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। अच्छा वो की है यसु दे नां ते मैनु कोठी मिल जाए, यसु दे नां ते मैनु कार मिल जाए, यसु दे नां ते मेरी कमेटी निकल आए, यसु दे नां ते मेरा वीजा लग जाए। ऑल मटीरियल थिंग्स। एक दिन एक इबादत हो रही थी यहां लाहौर में, तो ये पास्टर मोहरत साहब गए उधर और मुझे आकर बताते हैं, इन्हें याद आ जाएगा, हसन पे। मैं क्या भी की होया है? ओ सर जी ओ मैं एक मीटिंग च गया जे, तो उन्हें एक आल्टर कॉल दिती है, ते गरीब जहा इलाका, तो प्रीचर ने कॉल क्या दी है, तुहाडे विचों किन्ने ने जिन्हां नूं एरोप्लेन चाहिए है? ओ मैं क्या उन्हां नूं पुछो बेचारियां नूं, उन्हां कोल मोटरसाइकिल दा लाइसेंस है, वो जहाज करना की ने? लेकिन दिस इज द गॉस्पल जो प्रीच हो रही है, ये मटीरियलिस्टिक गॉस्पल। अरे इससे भी बड़ी खुशहाली तेरी रूह की खुशहाली, रूह में जिंदगी पाकीज़गी देने वाले जो मुसलसल देते हैं खुदा की बादशाही के लिए, उसकी रूहों के अंदर एक असूदगी और कुशादगी और जिंदगी उनके अंदर मौजूद होती है। इसकी एक पिक्चर आपको बताता हूं कि रूहानी खुशहाली क्या है। आओ देखें दूसरा करंथियों, क्या खुशहाली है पौलुस रसूल की स्पिरिट में। लिखा है छठा बाब, दूसरा करंथियों छठा बाब, सारा वाला ही वैसे पढ़ने वाला, लेकिन नौवीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है गुम नामों की मानद हैं, साड़ा कोई ना ही नहीं लेंदा, तो भी क्या लिखा हुआ है, तो भी मशहूर हैं। मशहूर इन्ने के एक दफा वो सिकवाबाद काहिन के बेटे थे सात, उन्होंने क्या लै भी है अच्छा कारोबारी, यसु के नाते अही भी बदरूह कड़ने, तो एक बदरू वाला आ गया, उन्हों कहिंदा है जिस यसु की पलूस मुनादी करता है उदे नाच तेनू मैं कहना ये विचों निकल जा। ओ बदरू नाल भरिया बंदा उठिया, उन्हें फंड फंड के फंड फंड के सारे बदरूह कड़न वाले दौड़ा दे, चलो ताड़ी सी दौड़ जाओ। तो कहती हैं पलूस को तो हम जानते हैं, पलूस हम में मशहूर है, दुनिया में शायद वो गुमनाम है, लेकिन आसमानी दुनिया में फरिश्तों के सामने मसीह के सामने बदरूहों के दरमियान पालूस का नाम मशहूर है। हालेलुया। इसी तरह खुदा के लोग हैं, ऐसे उन्होंने कोई पूछन दसन वाला पावे ना होवे, लेकिन एक जगह है जहां पर उनको पूछा जाता है और वो आसमान है। दानियल को यही कहा गया ना, ए अजीज मर्द, यू आर बिलवड इन हेवन। गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, ये स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है जिदी मुनादी घट घट। आगे क्या लिखा है, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानत हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानत हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानत हैं मगर बोतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानत हैं यानी गरीबों की मानत, तो
तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, ये भी प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन दिस इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्पिरिट। हम सब कुछ रखते हैं, देने वाला शख्स उसके अंदर एक एहसास, एक आसूदगी, एक दौलत, उसके अंदर गुर्बत का मिजाज नहीं होता, वो अंदर से रजिया शख्स होता है। उसको पता है मेरा खुदावंद मेरी सब जरूरतें पूरी करेगा। हालेलुया, टाइम हो गया मलाकी की किताब पढ़ लेना, वहां बड़ा कुछ लिखा हुआ है, अब मैं आपको परेशान नहीं करता। लेकिन आओ गलील की झील की तरह बन जाए। हालेलुया, जो दरिया यर्दन का पानी लेती है और फिर देती भी है, तो वह सरसब्ज और उसके इर्द गिर्द जिंदगी और मछलियां और सी फूड पालती है, परवरिश करती है। ये पानी दरिया यर्दन का जब हीरा मुर्दार में गिरता है, वो किसी को कुछ नहीं देता, उसके इर्द गिर्द नो लाइफ, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ नमकियात, नथिंग एल्स। आओ आज दुआ करें, ऐ खुदावंद मुझे देने वाला बना, ना सिर्फ लेने वाला। आई वॉन्ट टू गिव। गवाही, मुआफी, रुपया पैसा, रहम, मोहब्बत, तर्स, नमक और नूर की तरह बनकर मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आओ सारे झुके और दुआ करें।